गुड आफ्टरनून सर। हमने कॉम्पिटिशन लॉ स्टार्ट किया था। कॉम्पिटिशन लॉ में हमने देखा उसका बैकग्राउंड। कॉम्पिटिशन लॉ हमने कुछ डेफिनेशंस देखे, कार्टेल का डेफिनेशन देखा, गुड्स का डेफिनेशन देखा। ऑल्सो इन कॉम्पिटिशन लॉ हमने और एक डेफिनेशन देखा गुड्स के बारे में। ओके, एज पर सेल ऑफ गुड्स है। तो मुझे बताओ सबसे पहले एज पर कॉम्पिटिशन लॉ गुड्स का डेफिनेशन क्या है? गुड्स मीन्स, करेक्ट है, क्या आएगा? एज डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स है एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग थ्री। पहला क्या था? गुड्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर प्रोसेस माइन। सेकेंड क्या है? डिबेंचर्स शेयर स्टॉक आफ्टर अलॉटमेंट। एंड थर्ड क्या है? गुड्स सप्लाइड दैट इज गुड्स इम्पोर्टेड। वॉट इज गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स है? इट मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने और एक चीज देखी थी, दैट इज कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स ट्रेडर्स और क्या है प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डिफरेंट पीपल हु बाय एन एग्रीमेंट अमंग देम लिमिट कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल और प्राइस ऑफ गुड्स और एनी सर्विसेस। ये कार्टेल का मतलब देखा। उसके बाद एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट क्या होता है? एनी एग्रीमेंट विच इज हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इज एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट। उससे पहले हमने देखा बिड रिगिंग। सारे बिडर्स कल्यूड होते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक प्राइस से ज्यादा हम बिड नहीं करेंगे, दैट इज बिड रिगिंग। एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब सेलिंग द गुड्स बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोथ आर नॉट अलाउड इन इंडिया। अलग अलग टाइप के एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट देखे। टाई इन अरेंजमेंट मतलब परचेज ऑफ वन गुड कंपल्सरी परचेज ऑफ अनदर गुड, करेक्ट बात। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट वेयर बाय हम क्या कर रहे हैं? अलोकेशन ऑफ एरिया और हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, शॉर्टेज क्रिएट करना, दैट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई मतलब इफ यू वॉन्ट टू डील इन वन प्रोडक्ट यू कैन नॉट डील इन एनी अदर प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में आप डील नहीं कर सकते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव विच एग्रीमेंट? सप्लाई एग्रीमेंट। उसके बाद रेफ्यूजल टू डील मतलब द पर्सन इज बैंड फ्रॉम ट्रेडिंग पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। एक ग्रुप के साथ हम डील नहीं करेंगे या एक पर्सन से डील नहीं करेंगे, दैट इज रेफ्यूजल टू डील। एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, करेक्ट। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में सेलर बायर को रेट बताएगा जिस रेट पर बायर फर्दर सेल करेगा, दैट इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो ऐसे पांच एग्रीमेंट अपने पढ़े। पांच एग्रीमेंट के नाम बताओ। पहला टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस एंड, करेक्ट बात। अब what is a market and what is relevant market? Okay, ये question है। Market मतलब बोलेंगे the place where the buyer and seller meet, ये economics का definition है जो आपने market chapter 12th standard में पढ़ा था। ओके, और CS foundation में भी पढ़ा रहेगा। ओके, तो market is a place, it can be online market, it can be a physical market, it can be any market. It is a place where the buyer and seller interact is a market. But अभी competition law में word आया relevant market। समझ रहे क्या वर्ड है? रेलेवेंट मार्केट। देखो हर लॉ का एक यू नो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। लाइक बैंक्स के लिए आरबीआई आपको मालूम है, कंपटीशन लॉ के लिए मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आप देख रहे हो एनसीएलटी आ गया, ये आ गया। टैक्सेशन के लिए सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, ये भी चेंज हो रहा है, करेक्ट है। तो हर एक लॉ की एक अथॉरिटी होती है। ओके, और ये जो टॉप मोस्ट कॉम्पिटिशन लॉ की टॉप मोस्ट अथॉरिटी का नाम है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। तो अगर आप देख रहे हो सिक्योरिटी मार्केट में सेबी सब में आएगा, मनी मार्केट में आरबीआई आएगा, करेक्ट है। कॉम्पिटिशन लॉ के लिए CCI आएगा, इनकम टैक्स के लिए सीबीडीटी आएगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उस लॉ को वो एनफोर्स कराते हैं, उस लॉ को वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो CCI जब कॉम्पिटिशन स्टडी कर रहा है कि ये फेयर है या अनफेयर है, तो उसको कोई मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। एक अकेले सेलर को ट्रेड चेक करेगा या सारे सेलर्स को वो देखेगा कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है? समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे आइडिया वोडाफोन मर्ज हुए,
तो उनको पहले सीसीआई से एनओसी लेना पड़ा कि हम मर्ज हो रहे हैं, हमारा इंटेंशन मोनोपली नहीं है, हमारा इंटेंशन जेन्युइन है और प्रैक्टिकल और कॉम्पिटेटिव है, उनको प्रूव करना पड़ा। तो जब सीसीआई कोई भी स्टडी करता है कॉम्पिटिशन के बारे में, तो उनको कोई तो मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, करेक्ट है, कि इस मार्केट में क्या हो रहा है, उस मार्केट में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो व्हाट इज अ मार्केट, व्हाट इज अ मार्केट, तो मार्केट इज बीन डिफाइंड बाय सीसीआई। किसने डिसाइड किया? सीसीआई, समझ रहा है? तो नीचे लिखना वहां पे रेलेवेंट मार्केट, रेलेवेंट मार्केट, रेलेवेंट मार्केट इज डिटरमाइंड बाय, रेलेवेंट मार्केट इज डिटरमाइंड बाय सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। रेलेवेंट मार्केट इज डिटरमाइंड बाय सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और सीसीआई ने मार्केट को दो टाइप में डिवाइड किया, समझाता हूं मैं, लिखो आपके लिए नई चीज है। रेलेवेंट मार्केट इज डिफाइंड बाय सीसीआई, सीसीआई का फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है, टॉप मोस्ट बॉडी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड सीसीआई ने मार्केट को कितने टाइप में डिवाइड किया? दो टाइप, ओके। एक तो डिफाइन किया रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, और दूसरा टाइप है रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। सर ये क्या है? आप बोल तो रहे हो ठीक है, हमने लिख तो लिया है, बट व्हाट एग्जैक्टली? देखो सीसीआई स्टडी कर रहा है, वो जब स्टडी कर रहा है तो पुणे के जो सेलर्स है ये एक अलग टर्म्स पे काम कर रहा है और दिल्ली के सेलर्स अलग टर्म पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट वहां का मार्केट का ट्रेंड ही वैसा है। अरे जैसे मैं बता रहा हूँ, आई टीच इन पुणे मार्केट, पुणे इज वन मार्केट, ओके। आई टीच इन बैंगलोर मार्केट, बैंगलोर इज अनदर मार्केट। इन पुणे मार्केट क्लियरली द क्लासेज आर बींग रन फ्रॉम 7 to 5, ठीक है, आपकी जिंदगी यहां जा रही है 6 महीने के लिए, ओके। और बैंगलोर मार्केट में दे डोंट टीच ओनली 7 to 5, वी टीच देयर इवनिंग बैच, इवनिंग 4 o'clock to 9 o'clock, और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मतलब मैं जाके ईबीसीएल पढ़ाऊंगा 5 hours per day into 20 days, 100 hours, और एक आधा दो दिन और एक्स्ट्रा 22 days, सब्जेक्ट खत्म, बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसके बाद अगला सब्जेक्ट चालू हो जाएगा कंपनी लॉ, वहां पे वापस 5 hours a day into 25 days, सब्जेक्ट खत्म, मार्केट अलग अलग है। अब सीसीआई बोलेगा नहीं नहीं पुणे मार्केट गलत कर रहा है या बैंगलोर मार्केट, ऐसा नहीं होता है। उस एरिया में अपने तरीके होते हैं, अपने टर्म्स होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं, इसका मतलब गलत है क्या? नहीं। हाँ, बट पुणे मार्केट आप देखोगे ना, सबका लगभग टर्म्स एंड कंडीशन लगभग सेम है, समझ रहे, होमोजीनियस है, तो इट इज वन मार्केट, इट इज वन मार्केट। अरे पुणे में अगर आप बनानास खरीदोगे ना तो आपको डजन पे मिलेगा, बैंगलोर में खरीदो केजी में मिलेगा, किलो पे बनाना मिलता। मैं गया, बोला भैया बनाना कितने का डजन है? बोले नहीं नहीं डजन क्या होता है, डजन नहीं, केजी इज दिस मच रेट। बोला भाई केजी पे मिलता है बनानास, तो मैं वहां देख रहा हूँ कि दे आर सेलिंग इन केजीज, तो डजन मीन दे आर एक्सप्लॉइटिंग। वहां का टर्म्स कंडीशन अलग है, पुणे अलग, बैंगलोर अलग, पुणे अलग, मुंबई अलग, इनफैक्ट पुणे के अंदर भी अगर एक मार्केट है वो मार्केट और अदर मार्केट भी अलग होते हैं। लाइक ग्रोसरीज मार्केट, मंडई जो होती है ना, करेक्ट है, मंडई में जो भी होलसेल ग्रोसरीज वाले हैं वो लोग देते हैं कि कैश पेमेंट 1.5% डिस्काउंट, कट ऑफ बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं, कट ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट इंग्लिश में हम जो बोलते हैं, करेक्ट। बट यही चीज अगर मैं मुंबई के होलसेल मार्केट में जा रहा हूँ, वहां पर क्रेडिट तो है ही नहीं और कैश डिस्काउंट तो बहुत दूर की बात है, ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता नहीं है, समझ रहे हैं? तो दिस इज टू डिफरेंट मार्केट। जब एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, विच मार्केट, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। तो जब सीसीआई को देखना है कि कंपटीशन क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो वो सेम एरियाज विद इन एरिया चेक करेगा और उस एरिया को दूसरे एरिया से कंपेयर करने की कोशिश करेगा, बट उसको सेम मिलने वाला नहीं है। इज इट राइट? अरे इज इट राइट?
करेक्ट है. तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज. हैव यू ऑब्जर्व दिस? कभी आपने ऐसा किया कि यू फेल्ट द डिफरेंस कि आप पूना से कुछ ले रहे हो और कहीं से कुछ ले रहे हो? आजकल तो सब स्टैंडर्डाइज हो गया, अभी ई कॉमर्स ने तो और स्टैंडर्डाइज कर दिया है, बट कभी आपको एक्सपीरियंस आया कि आपने यहाँ पे अलग और वहाँ पे अलग? अभी कम हो गया, बट अभी पूरा इंडिया लेवल पे एक ही है, बट हो सकता है एक आधे का एक्सपीरियंस है. ऐसा कभी देखा एनी वन? नो इन द क्लास? कोई भी चीज खरीद रहे आप? हाँ यस. लाइक वॉट एक्सपीरियंस? बोल दारीवाल. मोबाइल कवर के इंडस्ट्री में. हाँ, और एक चीज, मूवी. बैंगलोर में एक मूवी 1000 रुपये चार्ज करते भाई. मैं बोला बैंगलोर जा रहा हूँ मैं, 10 दिन 10 मूवी देख कर आएंगे. बहुत खुश हो गया था. मतलब शाम को क्या काम है, 10 मूवी कवर कर लेंगे बैंगलोर जा. गया मैं, इंक्वायरी किया उस टाइम, कभी कभी पीक टाइम जो रहता है, मतलब 1000 तक की भी टिकट है 500 में. हाँ कैंसल, पूना में आके सब देखेंगे. समझ में आ रहा है? अब मैं जाके बोलूंगा क्या, नहीं नहीं गलत है, ऐसे कैसे, क्या 1000 रुपये की मूवी, वही पूना में 100 रुपये की मूवी? ऐसा थोड़ी ना होता है. उनके अपने टर्म्स कंडीशंस अलग है, करेक्ट. तो उसको कौन सा मार्केट बोलेंगे? रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट. बट सपोज एग्जांपल, मारुति कार बेच रहा है और बाबा जी जो है ना अपने, कौन से बाबा जी? सबके मालिक एक नहीं भूल रहा हूं मैं भूल रहा हूं रामदेव बाबा. बाबा जी पेस्ट बेच रहे हैं. अब कार में 1% मार्जिन है प्रॉफिट, पेस्ट में 10% मार्जिन. बाबा जी बोलेंगे, सीसी आया बाबा जी, आओ इधर आओ, सीसी आए हम पंगे लेने का नहीं. कार वाले 1% दे रहे, तुम 10% दे रहे, क्या चल रहा है तुम्हारा? बाबा जी बोले, भाई वो कार है, पेस्ट है. अगर आप पेस्ट इंडस्ट्री को देखोगे, क्लोजअप, कोलगेट, ये सारे लोग लगभग 10-15% डिस्काउंट, मैं भी इतना दे रहा हूं. तो ये अलग मार्केट है. अगर आप देख रहे हो, जब प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबल है, इंटरचेंजेबल है, वो एक मार्केट बन गया. बट जब प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है तो वो एक अलग मार्केट हो गया. कैन सीसीआई कंपेयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विद पेस्ट इंडस्ट्री? इट इज नॉट सब्स्टिट्यूटेबल. हाँ, बट कैन दे कंपेयर टू कंपनीज विद इन द सेम इंडस्ट्री? यस. तो जब उनको कॉम्पिटिशन स्टडी करना है तो वो देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो वो एक मार्केट है. और अगर प्रोडक्ट चेंजेबल नहीं है तो वो एक अलग मार्केट है. तो दे कैन नॉट कंपेयर पेस्ट विद कार इंडस्ट्री, कार विद क्लोथ इंडस्ट्री, बट दे कैन कंपेयर सेम कंपनीज और डीलिंग विद दस होमोजीनियस प्रोडक्ट. क्लियर हो गई बात? ओके. तो ये कौन सा मार्केट हो गया? रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट. क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ, फूड इंडस्ट्री में क्या मार्जिन होगा? प्रॉफिट मार्जिन 50% ग्रॉस, 50% कमाते रहेंगे ना, थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह. बट यही अगर मैं बोल रहा हूँ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, इसमें कितना? 15-20%. क्लोथ्स इंडस्ट्री 30-40-50-100% ऑल्सो. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके. एजुकेशन इंडस्ट्री इज अ सर्विस, 100% प्रॉफिट एक्सेप्ट फिक्स कॉस्ट, करेक्ट. तो वी कैन नॉट कंपेयर इट, यहाँ पर वो कंपेयर कर ही नहीं सकते. क्लियर? लिखो नीचे, ज्योग्राफिक मार्केट, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट के नीचे लिखना है द टर्म्स एंड कंडीशन, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिशन is similar in one area as compared to the neighboring area, as compared to neighboring area which is different. The terms and condition in one area, sorry, kya likha apne? The terms and condition is of competition in one area is same, is similar as compared to the neighboring area which is different. Clear ho gaya? Ya likhna. When the products are interchangeable,
when the products are interchangeable or substitutable, it is one market. When the products are interchangeable or substitutable, it is one market. बराबर है, clear? तो ये एक, जब product interchangeable है, substitute, वो एक market है. But जब product interchangeable नहीं, वो एक अलग market है. Industry समझ लो. क्या समझने का? Industry. तो as per CCI, market कितने type के है? दो. कौन से दो? Relevant geographic market and relevant product market. Question. सिंपल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चन, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा. क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट पोजीशन. आप बोलेंगे सर लीडर, ठीक है वहां तक मैं समझ गया. कैन यू एक्सप्लेन अ लीडर, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट पोजीशन. बोलिए. बीइंग इन टू अ पोजीशन वेयर, यस ही कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. और क्या आ सकता है? हाथ ऊपर करना तो समझे मुझे. हाँ, हैव द कंट्रोल ओवर द मार्केट. और क्या आ सकता है? बोलो बोलो बोलो. डोमिनेंट पोजिशन क्या हो सकता है भाई? डोमिनेंट पोजिशन उसको ट्राई कर. हाँ, ही हैज अ. और क्या हो सकता है? चलो पूछता हूं मैं आपको क्वेश्चन. क्वेश्चन ये, बर्गर इंडस्ट्री में हु इज इन टू डोमिनेंट पोजिशन? मैकडॉनल्ड्स. आपने ही नाम ले लिया, करेक्ट है. और कौन से बर्गर के नाम ले लिया? वो बट सबसे लीडर कौन है? मैकडॉनल्ड्स है. मैकडी मैकडी नहीं करने का, मैकडॉनल्ड्स है. ओके, उसके बाद वो एमसीडी एन ए डी वो डी. सुनो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेक्ट है. फोन इंडस्ट्री में कौन डोमिनेंट पोजिशन पर है? नॉर्मल फोन्स में और कौन है? बहुत टफ है बोलना ये, बट प्रीमियम फोन्स में एप्पल चल रहा है, बट नॉर्मल फोन्स में बहुत सारे हो गए, दो तीन हो गए, मार्केट लीडर. बराबर है क्या? नहीं, करेक्ट है. फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नॉट ओल्ड एक्टर, न्यू एक्टर में डोमिनेंट पोजीशन पर कौन है? रणवीर सिंह है, डेफिनेटली. बैक टू बैक दो तीन हिट देख कर दिया, तो ये फैक्ट बात है, रणवीर सिंह. और लीडिंग एक्ट्रेस कौन है या डोमिनेंट पोजिशन? अच्छा लगा मेरे को सुन के, अच्छा लगा, अच्छा लगा. आपने सबने ही बोल दिया यार, बोलने की जरूरत नहीं है. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, खुद ही बोल दिया इन्होंने. कहा बहुत बढ़िया आंसर, तालियां जोरों से, तालियां तालियां बजाना. तो डोमिनेंट पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन. अच्छा चलो, पॉलिटिक्स में डोमिनेंट पोजीशन पर है. सबका टाइम आता है, करेक्ट है बात, उनका टाइम है और वो काम भी कर रहे हैं. जो भी हो, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, बट यस ही इज क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन इन द कंट्री. समझ में आ रहा है मेरी बात? एक एको क्रिएट करना, एक लोगों में यू नो एक्साइटमेंट क्रिएट करना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स इतना आसान नहीं कि उठाया बम डाला निकल गया. मैं आपको कल ही बता रहा था, इट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम. ओके, हम लोग तो मस्त टीवी लगा लगा के व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ऐसे फोटो डाल रहे, इतना दो मिनट का काम है, बट उधर डिसीजन लेना. तो ही इज इन टू डोमिनेंट पोजिशन टूडे. पॉलिटिकल पार्टी वाइज कमिंग इलेक्शन, जो आप लोग पहली बार वोट करने जा रहे हो, दिस इज फर्स्ट वोटिंग. कुछ लोगों का हो गया होगा, कितने लोग का हो चुका है वोटिंग? एक दो, एक जन है, दो तीन चार, ठीक है ना. बाकी सबका पहला वोटिंग है, इट्स फर्स्ट वोटिंग इन योर लाइफ, करेक्ट? अरे हाँ के नहीं? आर यू एक्साइटेड टू वोट? अरे बहुत अलग मजा आता है, पहला वोट का एक अलग ही मजा है. सेल्फी वेल्फी निकाल के डालना पक्के से, ठीक है ना, और मुझे टैग करना, ठीक है. तो मुझे बताओ कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी वाइज कौन डोमिनेट पोजिशन पर है फिलहाल? नथिंग इज परमानेंट, बट फिलहाल के लिए बीजेपी, करेक्ट है ना बात? तो डोमिनेंट पोजिशन मतलब बीइंग अ मार्केट लीडर, यू डिसाइडिंग द स्ट्रेटेजी एंड अदर्स आर फॉलोइंग यू. बाकी सब आपको फॉलो कर रहे हैं और आप जो करोगे बाकी लोग आपको देखकर रेप्लिका या नियर बाय पहले आपके स्ट्रेटेजी के लिए वेट करेंगे. जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बीजेपी का अलायंस हो गया फॉर इलेक्शंस, करेक्ट है? तो अलायंस हो गया, इन्होंने अभी महाराष्ट्र का पिक्चर क्लियर किया, बाकी लोग अभी अपना अलायंसेस चालू कर देंगे, हम क्या करने वाले हैं. समझ रहे हैं? तो ये लोग एक लीडिंग पोजीशन पर है और इनको देखकर बाकी कॉम्पिटिटर अपने स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं, इनका इतना इन्फ्लुएंस है.
समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, तो दैट इज बीइंग अ मार्केट लीडर, दैट इज बीइंग द डोमिनेंट पोजीशन. मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब आप जो भी काम करोगे ना उसमें ट्राई टू हैव दैट फेज ऑफ यू नो मतलब सक्सेस ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. एक मार्केट लीडर बनने की कोशिश करो आप जो भी कर रहे हो. करेक्ट है, इट मे बी एक्टिंग, इट कैन बी प्रोफेशन, इट कैन बी प्रैक्टिस, इट कैन बी टीचिंग, इट कैन बी एनी बिजनेस यू डू इन योर मार्केट. हर एक छोटे छोटे मार्केट में और स्लोली स्लोली ग्रो करके मार्केट लीडर बन के देखो, मजा आ जाएगा. मतलब मेरे पापा क्या बोलते हैं, भले छोटा काम करो बट उस इंडस्ट्री के तुम शाहरुख खान बनने चाहिए. उस इंडस्ट्री में तुम लीडर बन के देखो, कम से कम 2-3 साल तो उस चीज का मजा लो, फिर भले कम ज्यादा हो ये चलता रहेगा. समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो डोमिनेंट पोजीशन चलता है. लाइक सीएम में मैंने आपको बताया भी था कि ज़ावरेज़ वाज इनटू डोमिनेंट पोजीशन, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन. पहले उनके टाइम टेबल के लिए वेट करते थे, बाकी लोग अपना टाइम टेबल सेट करते थे. करेक्ट है, वो पहले की बात है. ओके, उनकी फीस कितनी है बाकी अकॉर्डिंगली फीस डिसाइड करेंगे, दैट इज अ डोमिनेंट पोजीशन. तो यहां पे जो भी डोमिनेंट पोजीशन पर है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, वो दूसरे के स्ट्रैटेजीज के लिए वेट करता नहीं है. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? करेक्ट, समझ गया क्या बोल रहा हूँ? वो दूसरे के बट, और ये ऐसा प्लेयर है जो मार्केट में सारे कॉम्पिटिटर से लेकर सारे हाँ जो भी हो कॉम्पिटिटर से लेकर कंज्यूमर तक कहीं ना कहीं ये लोग इनके स्ट्रैटेजीज के लिए वेट कर रहे हैं. कंज्यूमर्स भी वेट कर रहे हैं, ये क्या करेंगे तो हम बाकी लोग का देखेंगे. समझ में आ रहा है मेरी बात? तो नीचे लिखना डोमिनेंट पोजिशन, डोमिनेंट पोजिशन. डोमिनेंट पोजीशन को दो टाइप में डिवाइड करो. डोमिनेंट पोजीशन को दो टाइप में डिवाइड करो. पहला टाइप आएगा, इट इज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. क्रिकेट पे भी होता है ना, कोई कोई प्लेयर डोमिनेंट पोजीशन पर रहता है, उनकी स्ट्रैटेजी उनकी बैटिंग के ऊपर सब चीज डिपेंडेंट होती है. करेक्ट है बात? इट इज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, बहुत मजा आता है यार मैचेस. अभी आईपीएल आ रहा है, बस मजा आ जाता है मेरा. मैं तो म्यूट कर देता हूँ, पढ़ाई भी चलती रहती है, मैं आईपीएल भी देखता रहता हूँ. कुछ सीन आया ऐसा, भाई हटाओ तो पूरे मोहल्ले को जमा करो. ऐसा क्या प्रेशर क्रिएट करते हैं वो लोग? ओके, मतलब दैट यू नो ग्राउंड प्रेशर इज वेरी डिफरेंट. उसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं और वो उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है. पूरा टीम का क्या होगा और कॉम्पिटिटर का भी क्या होगा उनके ऊपर डिपेंडेंट है. समझ में आ रहा है? तो इट इज पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ. आगे लिखना सेकेंड पॉइंट में, वेयर दे वर्क इंडिपेंडेंटली. वेयर सेकेंड पार्ट में, वेयर दे वर्क इंडिपेंडेंटली. करेक्ट, वेयर दे वर्क इंडिपेंडेंटली. सेकेंड पार्ट में सेकेंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, वेयर दे वर्क इंडिपेंडेंटली. एंड सेकेंड पॉइंट लिखना, एंड इफेक्ट. सेकेंड पॉइंट, एंड इफेक्ट competitors and consumers and affect competitors and consumers. comedy shows में dominant position पर कौन है? कपिल. उसका कितना भी personal life का जो issues आया था वो जाने दो अपने matter, but as a performer हम जो देख रहे हैं करेक्ट है तो बहुत मजा आता है. अरे कुछ भी कोई क्या बोलता है, मतलब सही में, मतलब आउट ऑफ वॉट एवर जो भी ड्राफ्टेड है स्क्रिप्टेड है, इट डजेंट मैटर, बट इज क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ ह्यूमर एटलीस्ट. ओके, तो वो डोमिनेंट पोजीशन. हर मूवी जो रिलीज हो रही है हर एक्टर एक्ट्रेस हमेशा प्रमोशन के लिए पहले उनके यहाँ पर आएंगे प्रायोरिटी पर. और कपिल शो में सब मोस्ट वॉन्टेड है, सब लोग आना चाहते हैं. इट इज द बिग वन ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू देयर शो बिकॉज उनका डोमिनेंट पोजिशन है. इज इट राइट? करेक्ट है बात. और बाकी टाइमिंग कपिल शो कब आ रहा है अकॉर्डिंगली बाकी चैनल्स में कब क्या दिखाना है वो डिसाइड होता है ना, ये पूरे स्केड्यूलिंग डिसाइड होती है. ओके, तो कॉम्पिटिटर इनके स्ट्रैटेजी के लिए वेट करते हैं और ये अपने हिसाब से चलते हैं, ये अपने रूल्स रखते हैं, अपने रूल्स, माई बिजनेस माई रूल्स, उस तरीके पर काम करते हैं. करेक्ट है? क्वेश्चन, अगर आप डोमिनेंट पोजिशन पर हो तो आप मोनोपोली भी बना सकते हो. तो डोमिनेंट पोजीशन पर आने के बाद आप मोनोपोली बनाने की कोशिश तो करोगे, बट टेल मी डोमिनेंट पोजीशन इज अलाउड और नॉट अलाउड? तूफान बोला
डोमिनेंट पोजीशन इज अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड है, मतलब मोनोपोली बना रहे हो आप, अलाउड है? क्वेश्चन आपके फाउंडेशन से क्वेश्चन उठाता हूं मैं, ठीक है ना बात। आउट ऑफ 30 कोम मैन्युफैक्चरर, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, याद है मेरे को, आउट ऑफ 30 कोम मैन्युफैक्चरर, याद करो, 28 मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्टेड दैट दे विल सप्लाई ऑल द प्रोडक्शन टू मी एंड आई विल पुट माई ब्रांड एंड सेल इट। आउट ऑफ 30 कोम मैन्युफैक्चरर्स, 28 manufacturers contracted that they will sell all the production to me and I will put my brand and sell it. Okay, tell me one thing, allowed or not allowed? बाप रे, foundation पढ़ाना पड़ेगा मुझे। Question clear है? और एक question, मैंने पूछा था यार ये, शायद रिजल्ट में पूछा था क्या, नहीं मैंने। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मेरा जितना भी प्रोडक्शन होगा चॉकलेट्स का, जितना भी मेरे पास एक प्लांट है, चॉकलेट्स बहती रहती है उधर, करेक्ट है, बस आप उड़ी मारो तो चॉकलेट ही हो जाओगे। ओके, सुनो मेरी बात, तो व्हाट इज माय पॉइंट, समझो समझो, जितना भी चॉकलेट प्रोडक्शन हो रहा है, पर मंथ 2 टन का चॉकलेट प्रोडक्शन हो रहा है, 12 महीने में 24 टन चॉकलेट प्रोडक्शन हो रहा है, ये पूरा का पूरा मैंने एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया है कि मैं सारा चॉकलेट कैडबरी कंपनी को सेल करूंगा, अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड और नॉट अलाउड? कितने बोलते अलाउड, हाथ ऊपर, कितने बोलते नॉट अलाउड, और कितने दादा तुमसे क्या आंसर आए, कितने टुल्लूज है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 29, 20, 30 में से 28 मैन्युफैक्चर, जब तुम एक के लिए मना कर रहे हो तो 28 तो बहुत दूर की बात हो गई। देखो, फर्स्ट सेकंड केस इज अलाउड, कैडबरी केस इज अलाउड, आई कैन एंटर इनटू सोल डीलिंग एग्रीमेंट, बोला था मैंने कि मैं सारा प्रोडक्शन एक को ही बेचूंगा या एक का ही प्रोडक्ट बेचूंगा, करेक्ट है। बट अगर 30 में से 28 कोम मैन्युफैक्चरर मुझे ही बेचेंगे तो इंडिया में सिर्फ कोम मेरे ब्रांड का आएगा, समझे मेरी बात, तो ये मोनोपोली इनडायरेक्टली क्रिएट कर रहा है। ये पहला केस अलाउड नहीं है, दूसरा केस अलाउड है, क्लियर हो गया बात। क्वेश्चन, डोमिनेंट पोजिशन अलाउड और नॉट अलाउड? आंसर इज अलाउड। मार्केट लीडर बनना, मार्केट टॉप करना, मार्केट में आगे आना, रैंक 1 पे आना, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी मेहनत है और गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकता है, समझ रहे हैं? आप बिजनेस में आए, आपने स्ट्रैटेजी लगाया, अपने दिमाग लगाया, इनोवेशन लगाया, सब किया और डोमिनेंट पोजीशन पर पहुंच गए, हम आपको रोकेंगे नहीं। बट अगर आप आपके पोजीशन का मिसयूज करके आप बाकी एंटी कॉम्पिटिटिव काम करोगे तो चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, क्लियर कट हो गया बात। तो डोमिनेंट पोजीशन इज अलाउड बट एनी मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज नॉट अलाउड। लिखो नीचे, डोमिनेंट पोजीशन इज, उसी में सेंटेंस लिखना है, डोमिनेंट पोजीशन का मीनिंग लिखा, थर्ड सेकंड नहीं हो गया ना, फर्स्ट सेकंड, ये पहला पॉइंट हो गया, इट इज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, यहां पर हो गया वेयर दे वर्क इंडिपेंडेंटली। सेकंड पॉइंट ये हो गया, क्या बोले, अफेक्ट द कॉम्पिटिटर्स एंड कंज्यूमर। अब कॉमन सेंटेंस भी लिखना है, डोमिनेंट पोजीशन इज अलाउड इन इंडिया, डोमिनेंट पोजीशन इज अलाउड इन इंडिया बट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजिशन इज अलाउड इन इंडिया बट अब्यूज, अब्यूज मतलब मिस यूज, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन इज नॉट अलाउड, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन इज नॉट अलाउड। ओके, पनिश करेगा, सीसे एक्शन लेगा, नोटिस भेजेगा, हियरिंग होगी, आगे जाके पूरे अथॉरिटीज में आएगा, एक्शन होगा ना। मोनोपोली कर रहे हैं, उनके एग्रीमेंट्स ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के हैं, सरकमस्टेंसेस बैकग्राउंड बोल रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने पोजीशन से प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहा है,
करेक्ट बात, या हो सकता है कि वो टाई अप एग्रीमेंट कर रहे हैं विच इज नॉट कॉम्पिटेटिव, विच इज एंटी कॉम्पिटेटिव. तो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट करना, प्रीटरी प्राइसिंग करना, बिड रिगिंग करना, अपने एक्सक्लूसिव डीलिंग्स करना, जेन्युइन इंटेंशन है तो सीसीए छोड़ देगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जेन्युइन इंटेंशन है. नहीं, डोमिनेंट पोजीशन फेयर वे से आ जाओ ना, मना नहीं कर रहे हैं. यू कम इन रैंक वन इन फेयर मैनर पढ़कर, समझ रहे हैं? तो आप अगर मेहनत करके आप आ रहे हो, हम आपको रोकेंगे नहीं ना. डोमिनेंट पोजीशन आ सकते हैं आप, बट आप डोमिनेंट पोजीशन, ऐसी पोजीशन को आप लेकर, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनो मेरी बात. एक कैसा था कि एक्स वाई जेड, अगर सपोज बैंगलोर में 5 क्लास है, एक क्लास में सपोज एग्जांपल के तौर पे अच्छा है, एक क्लास ओके, एक बुरा है, एक अच्छा है, ऐसे 2 अच्छे क्लास है. तो अभी वो लोग क्या करते थे, नहीं अगर आपको हमसे मॉड्यूल 1 पढ़ना है या ग्रुप 1 पढ़ना है तो आपको बेसिकली ग्रुप 2 हमारे पास ही करना पड़ेगा, हमको नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, या हमको सेल्फ करना है या हम और कहीं करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल. तो उनके टर्म्स गलत हो गए. देवो मार्केट लीडर, देवो मार्केट लीडर इन बोथ मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 एज वेल एज मॉड्यूल 2. बट एक आधा रहता है कि भाई मुझे फीस अफोर्ड नहीं हो सकती है, मैं, मेरे घर वाले इतने पैसे नहीं देंगे, मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं छोटी क्लास में. नहीं, अगर तुमको मॉड्यूल, वो मॉड्यूल 1 यहाँ करना चाह रहा है, मॉड्यूल 2 एक कम क्लास में करना चाह रहा है, पता नहीं. अगर आपको आना है तो दोनों, नहीं तो आने का नहीं. मिसयूज, समझ मेरी बात? तो इट डिपेंड्स, ये क्या होता है, क्या रीजन है. रीजन है कि भाई एक तरीके से जेन्युइन रीजन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपका इंटेंशन गलत है तो बात अलग है. डिपेंड्स, समझ रहे? तो डोमिनेंट पोजिशन डन. क्वेश्चन, आपके फाउंडेशन का क्वेश्चन, आपने ऑडिट पढ़ा था, दिल से पढ़ा था, राइट? कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बीओडी, और ये टिंगी मिंगी जितने हैं ये शेयर होल्डर. गौर से देखो, आप भी यहां कहीं दिख रहे हो. याद करो, ये चिंगी मिंगी, ये कौन है? शेयर होल्डर. और शेयर होल्डर याद करो क्या कर रहा है. सुनो मेरी बात. तो अब ये देखो, शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसे लगाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी चलाया, ऑडिटर नायक नहीं खलनायक, ओके, बंदूक लेकर आया, बंदूक नहीं लेकर आता है, एग्जांपल. ये ऑडिटर जाकर हिसाब किताब देखेगा, आपने पढ़ा ऑडिट और आपको आएगा. ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? वोटिंग. कितने बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाथ पर एक भी नहीं, कंपनी एक भी नहीं, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट. नहीं नहीं, मैं नॉर्मल कंपनी ही बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, ऑप्शन दे दिया मैंने, करेक्ट. अच्छा, याद करो, पूछा और आपको वापस आएगा. कंपनी का बैलेंस शीट याद करो, याद करो बेसिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पूछा था मैंने, ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, कंपनी, गवर्नमेंट. ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर और गवर्नमेंट, चार ऑप्शन आपके सामने. मतलब आप सब फाउंडेशन देकर आए हो ना, पक्का देकर आए हो ना, जल्दी बताएंगे, जल्दी वाला आपको मालूम है, पीछे लास्ट बेंच बताएंगे. कौन बनाएगा बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट? हाँ, ऑडिटर बनाएगा, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर. अरे पूछ रहा हूँ यार, क्वेरी है. वोटिंग, कितने लोग बोलते हैं कि ऑडिटर बनाएगा? हाथ ऊपर, 2-4 हाथ ऊपर आ गए. अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कितने बोल रहे हैं? इंटरनल ऑडिटर, हाथ ऊपर, इंटरनल ऑडिटर. अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि शेयर होल्डर बनाएंगे? कितने लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे? अरे क्या चल रहा है, कुछ तो आंसर करो, कुछ आंसर क्या है ये मुझे बताओ. गवर्नमेंट कितने लोग बोल रहे गवर्नमेंट बनाएगा? दादा कितने लोग बोल रहे दादा बनाए? यार जान दो टॉपिक ही. आंसर, आंसर बताओ मुझे पहले. ऑडिटर कितने लोग बोल रहे थे? ऑडिटर इंटरनल भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी भी हो सकता है.
अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने बोलते हैं शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट। लेक्चर बंद करना चाहिए आज। हाँ एनी ऑफ दी अबाउ ढोकली सुना। तो अभी ये बात समझना, सुनो सुनो सुनो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी हु इज बीइंग रनिंग द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बेसिकली अपॉइंट अ पर्सन और ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ इट, ही मे बी अ CFO, बट कंपनी की KMP जिम्मेदार है, बैलेंस शीट हिसाब किताब। अरे पैसे किसको दिए हमने? KMP। पैसा कौन यूज कर रहा? KMP। पैसा कौन किसके पास है? KMP। किसने पैसे दिए? शेयर होल्डर। किसको हिसाब किताब चाहिए? शेयर होल्डर। तो हिसाब किताब बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? KMP। और उसको चेक कौन करेगा? ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, बट ऑडिटर खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पैसा KMP को दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया है, तो वो बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा ऑडिट का खर्चा कौन देगा? फीस नाम की कोई चीज है? शेयर होल्डर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे, गवर्नमेंट देगा, कंपनी देगा। ऑडिटर फ्री का बंदा है, कंपनी बिल पे, करेक्ट है ना बात? तो सेम वे CCI, मेरी बात समझना ध्यान से, CCI को कुछ टैक्सेस आते हैं, कुछ लाइसेंस फीस आती है। CCI एक बॉडी है, ओके, सेपरेट बॉडी फ्रॉम गवर्नमेंट, ओके, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी है। और CCI खर्चा भी करता है, सैलरी बांटता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है। तो CCI का हिसाब किताब देखो, CCI बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट है बात? किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट है। तो CCI का ऑडिट कौन करेगा? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये पढ़ा है आपने, CAG। गवर्नमेंट रिलेटेड जितने ऑडिट्स है कौन करता है? CAG, करेक्ट है। अच्छा CAG को अपॉइंट कौन करेगा? CCI या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, करेक्ट है। और बेसिकली ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बैलेंस शीट कौन बनाएगा? CCI का जो बैलेंस शीट है कौन बनाएगा? CCI खुद बनाएगा। अरे हाँ के नहीं? CCI खुद बनाएगा ना, खुद पैसे ले रहा है, दे रहा है, तो CCI खुद जिम्मेदार है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। इज इट राइट? बरोबर है। और ऑडिट कौन करेगा? CAG। CAG की फीस कौन भरेगा? CAG की फीस कौन भरेगा? देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनो, ये गवर्नमेंट है, सपोज चेतना इज गवर्नमेंट, मैं CCI हूं, करेक्ट, और राशि इज ऑडिटर CAG, ठीक है ना बात? तो मेरी बात समझना, चेतना ने एक बॉडी बनाई थी सो दैट द गवर्नमेंट एंड द अदर काम पूरे लॉ कंप्लायंस हो, तो एक CCI एस्टेब्लिश किया, ओके, उसका चेयरपर्सन मैं हूँ, ओके। अब ये CCI लोगों से पेनल्टी कलेक्ट करता है, जो एंटी कॉम्पिटेटिव काम करता है उन पर एक्शन लेता है, लाइसेंस कट करता है, मर्जर डीमर्जर चेक करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। तो CCI लोगों से फीस कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट उनको कुछ बजट भी देता है, प्लस CCI खर्चा भी करता है, करेक्ट है। तो CCI को हिसाब किताब किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका कर्ता धर्ता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये हिसाब किताब चेक करवाना चाहता है, तो किसको अपॉइंट करेगा? CAG। हिसाब किताब बनाने की जिम्मेदारी किसकी? CCI, करेक्ट है। CAG रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, कि ये संस्था ने कितना काम किया, क्या खर्चा किया, किधर किधर पैसे लगाए, कितना काम किया। काम पर तोलते हैं ना सब लोग, गवर्नमेंट में आजकल सब काम गिना था, हमने ये किया वो किया वही चल रहा है, करेक्ट है। तो पार्लियामेंट में ये हिसाब किताब दिया जाएगा जो ऑडिट किया गया है CAG से। क्लियर हो गया बात? बट CAG की फीस कौन देगा? गवर्नमेंट देगा या CCI देगा? CCI। ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर की फीस कौन देता है? कंपनी। अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर देते क्या फीस? नहीं। तो यहां पे अपॉइंट किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फीस देता है क्या? नहीं। कौन देगा? CCI। समझ गए? इतना लिखो नीचे, अकाउंट्स ऑफ कमीशन, अकाउंट्स ऑफ कमीशन, अकाउंट्स ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब क्या आएगा? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। डेफिनेशन में लिखा है कमीशन वर्ड आ गया इस लॉ के अंदर, कॉम्पिटिशन लॉ के अंदर क्या वर्ड आया? कमीशन, मतलब वो कमीशन नहीं,
कमीशन मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। तो अकाउंट्स ऑफ कमीशन नीचे लिखना है, लिखना द प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड, द प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीसीआई, आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीसीआई, आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीसीआई, सीसीआई खुद बनाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, द ऑडिटिंग इज डन बाय, द ऑडिटिंग इज डन बाय सी एंड ए जी, ऑडिटिंग इज डन बाय सी एंड ए जी। सी एंड ए जी का फुल फॉर्म आपको मालूम है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, करेक्ट बात, ये पढ़ा आपने। थर्ड पॉइंट लिखना, द ऑडिट फीस इज पेड बाय, द ऑडिट फीस इज पेड बाय सी सी आई, द ऑडिट फीस इज पेड बाय सी सी आई। फोर्थ पॉइंट, सी एंड ए जी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सी एंड ए जी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सी एंड ए जी इज अपॉइंटेड बाय विच गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो आप नीचे नेक्स्ट पॉइंट, सी सी आई विल रिपोर्ट टू, सी सी आई विल रिपोर्ट टू हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट, सी सी आई विल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हिसाब किताब किसको चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। हिसाब किताब सही है गलत ही किसको चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे लगाए, ये बॉडी बनाई, अब ये कुछ लोग चला रहे थे, वो सही काम कर रहे नहीं कर रहे, ये ऑडिट कौन करेगा, सीएडीजी, और रिपोर्ट किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे लिखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रेजेंट द रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रेजेंट द रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रेजेंट द रिपोर्ट इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रेजेंट द रिपोर्ट इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रेजेंट द रिपोर्ट इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट हो गया बात, ठीक है। चलो तो विल जस्ट रिवाइज, टुडे आई एम लीविंग यू 5 मिनट्स अर्लियर, 2:15, 3:15, जहां पर मैं 5 मिनट रिविजन लूंगा पूरा हमने क्या पढ़ा, करेक्ट है, और फिर हम नए कंसेप्ट पर कल आएंगे। 2 मिनट, सबसे पहले स्टार्टिंग से पूरा आ जाओ, ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा बुक दिखाना, ठीक है, तुम्हारे इसमें लिखा है, दोनों को भी दे दो। हाँ देखो, सबसे पहले, सबसे फर्स्ट थिंग हमने क्या लिखा है, पोर्शन तो छोड़ दो, पोर्शन नहीं बताना, ओके, बैकग्राउंड करेक्ट है। गवर्नमेंट ने हाई एम्पावर्ड कमिटी कब फॉर्म की, 15 सितंबर। इस कमिटी ने रिपोर्ट कब सबमिट किया, रिपीट करो वापस से, 20, करेक्ट है। अब मुझे बताओ प्रेसिडेंट का कंसेंट कब मिला, 13 जनवरी 2003। कितने सेक्शन है कॉम्पिटिशन लॉ में और कितने चैप्टर्स है, अब हम लॉ पढ़ रहे या एक्ट पढ़ रहे, लॉ, लॉ के अंदर क्या क्या है, एक्ट, रूल्स एंड केस लॉस। सेक्शन 1 क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। व्हाट इज द टाइटल, कंपटीशन एक्ट 2002, एक्सटेंट इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट क्या है, बताओ, रीड करो, देख के रीड करो, पहले प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, सेकंड प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट फ्री ट्रेड इन द इकोनॉमी। What is competition? Define, not define. Not define. But it is economic rivalry among the sellers so that they gain maximum objective and achieve objective. What is objective? Higher profit. Ye one of the objective hai. Correct hai. Uske baad, cartel ka section number kya hai? Sections 2, subsection C. What is cartel? Cartel is association of person of service providers, sellers, producers, distributors, agreement among them, limit, control or attempt to control production, distribution, sale or price of goods or services. What is the section number for goods as per Competition Act? Section
What is goods as per Competition Act? As defined in Sale of Goods Act and includes product, manufactured, process, mine, share, stock after allotment, and that is goods imported. What is goods as per Sale of Goods Act? Good kind of movable goods, and but does not include actionable claim and money, but includes stock, shares, growing crops, grass, things attached to forming the part of land which agreed to be severe. Uske baad, what are the five types of anti-competitive agreement? Tie-in arrangement, exclusive distribution agreement, exclusive supply agreement, price maintenance, and uske baad. Relevant market is divided into how many parts? Two parts. What are two parts? Relevant geographic market and relevant product market. Then tell me, uske baad, next, agar aap dekh rahe ho, same way mein, what is dominant position? Is a position of strength where the parties work independently and affect the competitors as well as the consumers. Okay. Accounts of commission, kaun maintain karega? CCI. Audit kaun karega? C&AG. ऑडिट फीस कौन भरेगा? सीसीआई. रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? प्रेजेंट इन द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. करेक्ट है बात. विल स्टॉप फॉर द डे. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता. थैंक यू.